सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ स्नेहा और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्नेहा होम किचन में। तो आज हम बनाएंगे मिक्स वेज, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी, जो कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम बनाते हैं मिक्स वेज। इसके लिए मैंने गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक का टुकड़ा लिया है और थोड़ी सी हरी धनिया ली है। गोभी को अच्छे से हमने साफ करके काट लिया था। इसके बाद आलू और बैंगन को भी हमने धोकर काट लिए थे। इसके बाद प्याज को छीलकर हमने अच्छे से धो लिया था और प्याज को भी हमने काट लिया है। फिर हम 4 से 5 हरी मिर्ची जो ली थी इन्हें भी हम काट लेंगे और 2 टमाटर थे इन्हें भी हमने काट लिया। कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने पर इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। राई जीरा सौंफ भी डाल दिया है। इसके बाद इसमें प्याज हरी मिर्ची डाल देंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे टमाटर और इसे कुछ देर ऐसे ही चलाएंगे। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर सॉफ्ट होने के लिए नमक डाल दिया। इसके बाद इसमें हमने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। गरम मसाला भी हम इसमें अब ऐड कर देंगे। ये हमने डाल दिया है गरम मसाला और अब डाल दिया है थोड़ा सा पानी और अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसमें हमने उबलती हुई सब्जियों को निकाल लिया था, पानी से अलग कर लिया था। इन्हें अब हम डायरेक्ट डाल देंगे हमारे मसाले में, जो हमारे मसाले पक चुके हैं। इसमें इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर ऐसे ही मिलाते रहेंगे। इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है पानी। पानी कम ज़्यादा कर सकते हो। पानी डालने के बाद इसे हम ढक कर कुछ देर पकाएंगे, लगभग 3 से 4 मिनट। इसके बाद इसे हम चेक करेंगे। मैंने आलू को चेक किया, आलू हल्का सा कच्चा लग रहा था। इसे हम ढक कर फिर से रख देंगे और इसे कुछ देर और पकाएंगे। अब हमारी सब्जी पककर तैयार हो गई है। इसमें हम हरा धनिया काट लिया था हमने, इसे डाल देंगे और इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हो सब्जी कितनी अच्छी टेस्टी लग रही है और सच में सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसे गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।